बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए आप लोगों की बेइंतहा फरमाइश के ऊपर मैं पहली बेकिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है सिंपल टी केक, सबसे सिंपलेस्ट रेसिपी जिसमें किसी बटर की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड मिक्सर की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आराम से पतीले में बना सकते हैं। मैं आपको ये रेसिपी पतीली में भी बना के दिखाऊँगी, कुकर में भी बना के दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी मुझे मेरी एक फ्रेंड हैं रिजवाना, उनकी बेटी कोमल ने दी है। थैंक यू कोमल, आपकी दी हुई ये रेसिपी एकदम हिट है मेरे घर के अंदर। काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई की है, बहुत बेहतरीन बनती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। जो प्लेन केक आज हम बना रहे हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले तो आप कप्स देख लीजिए, एक ही जैसे कप हैं। इन्हीं कप से नाप के मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, लेकिन ग्राम्स में भी मैंने इन्हें नाप लिया है। और ये सब जो हैं ये मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप से नपे हुए हैं। बताना सिर्फ आपको मकसद ये था कि जो हम रेगुलर घर में कप्स यूज़ करते हैं उनका रेशो क्या आता है ये मैं आज आपको बता दूं। एक कप मीडियम साइज़ का जो हम अक्सर चाय के लिए यूज़ करते हैं, एक कप मैदा आता है 145 ग्राम्स, पिसी हुई चीनी आती है 200 ग्राम्स, और अगर आप ग्रैनुलेटेड लेंगे वो भी 200 ग्राम्स ही होगी। एक कप ऑयल आता है 250 मिलीलीटर, ठीक है। अब हमने ये किया है कि हमने एक कप मैदा लिया है, सेम एक कप मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर वो ली थी, उसको नाप के एक कप फिर पीसा है। 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है। इसमें ओरिजिनल रेसिपी में 1 कप है, लेकिन मैं पहले बना के देख चुकी हूँ, मैंने 3/4 कप ही यूज़ किया था और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। 4 अंडे मीडियम साइज़ के 4 अंडे लिए हैं हमने। इसके अलावा 1 टीस्पून फुल भर के है वनीला एसेंस, और 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके हमने लिया है बेकिंग पाउडर। अब सबसे पहले मैं आपको केक फ्लोर बनाना सिखाती हूँ। केक फ्लोर बनाने के लिए मैदा मैंने बड़े बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया है, और साथ ही इसके अंदर है ये 2 टेबलस्पून, देखिए मेजरिंग स्पून से ही नापा है मैंने, 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर। अब हमने केक फ्लोर बनाने के लिए करना क्या है, मैदे में से 2 टेबलस्पून मैदा हमने वापस डाल देना है, और ये इसी तरह मैंने के कॉर्न फ्लोर जो है वो इसी तरह नापा है लेवल करके, ये हमने वापस डाल दिया। और ये कॉर्न फ्लोर हमने अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 2 दफ़ा इसको छाननी से छान लेंगे, और ये हमारा केक फ्लोर रेडी हो गया। अब इसी को हमने ऑल पर्पज़ फ्लोर बनाना है, यानी कि जो बेकिंग कुकिंग और हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ऑल पर्पज़ फ्लोर बनाने के लिए हमने क्या करना है, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया, वो इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया। ये हमारा ऑल पर्पज़ फ्लोर मिलके तैयार हो गया है, सब चीज़ें मिक्स करके हमने ऑल पर्पज़ फ्लोर रेडी कर लिया है। तो ये बहुत सिंपल है, बाज़ार से बहुत महंगे डब्बे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक बाउल के अंदर ऑयल डालेंगे, उसमें हम शुगर डाल देंगे, और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक बीट करेंगे। हमें इसको उस वक्त तक बीट करना है कि दोनों मिलके एकदम क्रीमी हो जाएं और चीनी जो है वो सारी अच्छी तरीके से ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छा क्रीमी हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अंडा मिलाएंगे। एक एक करके अंडा मिलाते रहेंगे। ये बहुत अच्छा क्रीमी सा हो गया है बिल्कुल, देखिए
अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ वेनिला एसेंस, और साथ ही ये केक फ्लोर है, सॉरी ऑल पर्पज फ्लावर जो मैंने आपको बनाना सिखाया अभी, ये दो दफा मैंने छान लिया है। अब हम इसको आधा डालेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। जितनी देर हम ये केक का बैटर रेडी करेंगे इतनी देर मैंने अपना ओवन जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। बाकी का डाल देंगे, एक दफा इसे फिर मिक्स करेंगे और मैं इसके अंदर 1 से 2 मिनट तक बीटर चलाऊंगी। इसको मैदा मिक्स करने के बाद आपने बहुत ज्यादा बीट नहीं करना, अगर आप ज्यादा बीट करेंगे तो आपका केक हार्ड बनेगा। दैट्स इट, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। एक से 6 इंच का पैन मैंने ग्रीस करके और पार्चमेंट पेपर लगा के रखा है इसके लिए। ये इसके हिसाब से ज्यादा है, लेकिन मैं इससे थोड़े से कप केक्स भी बनाऊंगी बच्चों को इंडिविजुअली सर्व करने के लिए। तो हम 3/4 पोर्शन तक इसे सिर्फ भरेंगे। टैप करेंगे अच्छे तरीके से। एक मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और फिर प्री हीटेड ओवन के अंदर इसे तकरीबन 45 से 50 मिनट्स तक के लिए हम बेक करेंगे। तो देखिए अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन के अंदर डाल रही हूँ। मिनट्स का टाइमर मैंने सेट कर दिया है। तो जनाब केक मैंने बेक कर लिया है, इसे मैंने ठंडा होने के लिए रैक पे रखा है। मेरे पास केक कूलिंग रैक भी नहीं है, तो मैंने क्या किया है, जो मेरी कुकर का स्टीमर है उसको मैंने उल्टा करके रखा है। तो इसके ऊपर से हम ये हटाते हैं। वाओ, तो ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है। टी केक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने देते हैं 15 से 20 मिनट और उसके बाद मैं आपको इसके पीस करके दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट है। देखिए तो केक ठंडा हो गया है और इसे मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन टी केक रेडी हुआ है ये। तो अब हम इसे चाय के साथ ही सर्व करेंगे। तो जनाब हमारा मज़ेदार टी केक बिल्कुल रेडी है। इसे आप चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह जो भी इसकी मेजरमेंट्स हैं वो ग्राम्स में और कप्स में दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दिया कीजिए मुझे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा आप जब मेरी वीडियोस से देख के रेसिपी बनाया करें तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज में उसकी तस्वीर भेज दिया करें, मैं अपने पेज पे आपके नाम के साथ उसे लगाऊंगी। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं और मैं उनकी तस्वीरें लगाती भी हूँ।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज हैं। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।